हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज हम सीटेट की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तैयार करने जा रहे हैं और ये वर्ड्स बिल्कुल तैयार होंगे प्रिंसिपल्स पर और सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन पर। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों विदाउट डिले। फर्स्ट है आपका कंडीशनिंग। देखिए बच्चों, फर्स्ट वर्ड है आपका कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मीनिंग होता है एक तरह से अनुबंधन। कंडीशनिंग का मीनिंग होता है अनुबंधन और ये बच्चों एक तरह से नाउन है। कंडीशनिंग एक थ्योरी है बच्चों, ठीक है, जिसको बोला गया है कि द रूल ऑफ कंडीशनिंग इज वेरी गुड फॉर ए चाइल्ड। इट मीन्स ये हुआ बच्चों कि जो जो कंडीशनिंग है, जो अनुबंधन का जो रूल है ना, वो बहुत ही क्या है, मतलब अच्छा है एक बच्चे के लिए। नंबर सेकेंड है बच्चों आपका, जिस तरह से कि अगला वर्ड आ रहा है इमिटेशन। आपको पता है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इमिटेशन नेक्स्ट वर्ड आया बच्चों, ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होता है एक तरह से अनुकरण करना। अनुकरण करना बच्चा क्या है ना कि अनुकरण, जैसे रूल ये बता रहा है हमें कि ये जो वर्ड बता रहा है कि अनुकरण करना। अनुकरण का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किसी की कॉपी करना, किसी की कॉपी करना है ना। नेक्स्ट जैसे कि द थ्योरी of imitation, the theory of imitation is very necessary, is very necessary for a child. इमिटेशन मीन्स होता है अनुकरण। अनुकरण का मीनिंग होता है बच्चों कॉपी करना, यानी थ्योरी ऑफ इमिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए चाइल्ड। नंबर थर्ड है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन मेरे डियर स्टूडेंट, ये भी एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है एक तरह से अभिप्रेरणा। वाट इज़ अभिप्रेरणा, हम सभी के दिमाग में आता है कि ये प्रेरणा क्या है या अभिप्रेरणा क्या है, तो मैंने बोला अभिप्रेरणा। एक होता है इंस्पायर। इंस्पायर तो इंस्पायर का मीनिंग क्या होता है, प्रेरित होना, प्रेरित होना होना, ये एक तरह से ना वर्ब है, वर्ब है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मीनिंग होता है एक तरह से प्रेरणा, प्रेरणा। इंस्पिरेशन का मीनिंग होता है प्रेरणा बच्चों, ये भी नाउन है। एक होता है बच्चों एक्सपायर, इसका मीनिंग होता है बच्चों, ये एक तरह से वर्ब है और इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट यानी डेट से बाहर, यानी अप्रचलित होना जिसको आप कहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन, गिव मी मोटिवेशन अबाउट सीटेट एग्जाम, अबाउट सीटेट एग्जाम, यानी गिव मी, मुझे मोटिवेशन दो थोड़ा सा सीटेट एग्जाम के लिए। तो जो मोटिवेशन है ये एक नाउन का काम कर रहा है और इसका मीनिंग होता है एक तरह से प्रेरणा। नेक्स्ट, मोटिवेशन का मीनिंग होता है एक तरह से अभिप्रेरणा। नंबर फोर, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बच्चों, इंटरेस्ट एक तरह से नाउन है, एक तरह से क्या हो गया, रुचि।
रुचि लेना, ये रुचि इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट मीन्स रुचि लेना, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, योर इंटरेस्ट इज, योर इंटरेस्ट इज इन टीचिंग। आपका जो इंटरेस्ट है ना वो किस में, टीचिंग में है। तो यहाँ जो इंटरेस्ट आया वो आपके लिए आया किसके लिए, रुचि के लिए। डियर स्टूडेंट्स, फाइव वर्ड्स आपके लिए आ रहा है बच्चों, फाइव वर्ड है आपका क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी भी एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है क्रियाशीलता। इसका मीनिंग होता है क्रियाशीलता, क्रिएटिविटी का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स क्रियाशीलता। तो द रूल ऑफ क्रिएटिविटी इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर। इट मीन्स ये हुआ कि क्रिएटिविटी का जो नियम है वो एक विद्यार्थी के लिए और एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिक्स, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका सिक्स वर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज भी एक तरह से क्या हुआ यहाँ पे एक्सरसाइज, बट दो होते हैं, एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज ये वाला आएगा, एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज का भी नाउन और वर्ब, जैसे अभ्यास, अभ्यास करना। तो अब यहाँ पे कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यास या अभ्यास करना, या अभ्यास। आई एक्सरसाइज डेली, मैं एक्सरसाइज करता हूँ यानी डेली करता हूँ। अब प्रैक्टिस करना, तो यहाँ पे अगला वर्ड क्या बना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दूसरा वर्ड बना प्रैक्टिस, इसका मीनिंग होता है बच्चों अभ्यास, और इसका मीनिंग होता है बच्चों अभ्यास करना, इज राइट ना। सो बच्चों कम टू द टॉपिक, सेवन नंबर आपका, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों रेशियो। एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है बच्चों अनुपात। अगला वर्ड आता प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है समानुपात, समानुपात, जबकि रेशियो का मीनिंग होता है अनुपात। इन द क्लास द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इज 10:15। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो रेशियो है ना क्लास में वो 10 से लेकर के 15 तक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। मेरे डियर स्टूडेंट्स ये भी नाउन है और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है एक तरह से सहयोग, मिलजुल करके मिलजुल कर काम करना, ठीक है। कोऑपरेशन भी होता है,
कोऑपरेशन भी मिलजुल करके काम करना होता है, ठीक है, सहयोग। बट एग्रीमेंट का मीनिंग समझौता होता है, बट एग्रीमेंट का मीनिंग होता है एक तरह से समझौता, एक तरह से समझौता, एक तरह से समझौता। तो डियर स्टूडेंट्स, द कॉपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉजिटिव। दोनों विद्यार्थियों के अंदर जो आपका कॉपरेशन सहयोग है ना, वो पॉजिटिव है बच्चों। हमने आपको पिछली वीडियो में एक वर्ड दिया था बच्चों, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड वर्ड दिया था, ठीक है। और फिक्स्ड का मीनिंग होता है एक तरह से निश्चित। तो ये बच्चों डियर स्टूडेंट एक एडजेक्टिव था जो हमने पिछली वीडियो में दिया था, इसका मीनिंग होता है एक तरह से निश्चित। तो निश्चित का मीनिंग होता है एक तरह से श्योर, पक्का। अगला वर्ड होता है बच्चों डेफिनेट, डेफिनेट। तो श्योर और डेफिनेट दोनों का मीनिंग होता है बच्चों निश्चित। इट इज फिक्स्ड लैंप, इट इज़ ए फिक्स्ड लैंप। सो बच्चों आज आपके लिए जो वर्ड है ये आपको हमें बताना है, या आज आपको हमें बताना है बच्चों, और आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपके लिए आज का, डिफरेंस का मीनिंग बताना है, और कमेंट बॉक्स में आपको हमें सेंड करना है। आपके पास में 30 सेकेंड्स हैं, एक बार रिवाइज कर लो। लेट अस स्टार्ट बच्चों, चलिए नेक्स्ट। देखो कंडीशनिंग का मीनिंग होता है अनुबंधन, ये एक नाउन है। द रूल ऑफ कंडीशनिंग इज वेरी गुड फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए अनुबंधन का नियम बहुत ज़रूरी होता है। इमिटेशन का मीनिंग होता है बच्चों नाउन है, और जिसका मीनिंग होता है अनुकरण, किसी की कॉपी करना है, यानी कि मैं आपकी कॉपी करता हूँ, नकल करता हूँ, तो ये इमिटेशन होता है। बच्चा एक तरह से नकल करता है अपने बड़ों की, तो ये इमिटेशन कहलाता है। द थियोरी ऑफ इमिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए चाइल्ड, यानी इमिटेशन का सिद्धांत बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी है।